धातु रोग से शारीरिक कमजोरी, इसकी और एक स्टडी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। होता यह है कि धातु जब जाता है, मतलब सीमेन जब जाता है, वीर्य जब निकलता है, और वो निकलना अलग अलग ढंग से हो सकता है। एक तो रात के सपने में जा सकता है, फिर पेशाब करने के पहले जा सकता है, पेशाब करने के बाद में जा सकता है, हस्तमैथुन से जा सकता है। तो ऐसा वीर्य शरीर से बाहर जाने का जो है वो अलग तरीके है, या शादी के बाद में जा सकता है, वीर्य योनि में प्रवेश करता है वीर्य, मतलब और बाद में वो वेस्ट हो जाता है। मगर लोगों को यह है कि वीर्य जाना तो शादी के बाद का वीर्य चलता है, शादी के पहले का वीर्य जाना जमता नहीं लोगों को। स्पेशली जब आप ट्रेन से सफ़र करते हो और आप जब बड़े बड़े सिटी के जब आउटस्कर्ट्स में रहते हो, आउटस्कर्ट्स में होते हो, गाड़ी ट्रेन अंदर जा रही है, तो आपको दीवारों पे बड़े बड़े बोर्ड दिखेंगे कि शादी के पहले शादी के बाद में, यदि आपको कमजोरी आई हुई है तो इनसे मिलिए, या लिंग कमजोर है या वीकनेस है या हस्तमैथुन या कोई ऐसी बीमारी से ऐसा कुछ आपको लगता है तो जरूर संपर्क करें। मतलब ऐसे काफ़ी सारे मतलब एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं और उसमें वो प्रॉब्लम होता है, लोगों को लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो प्रॉब्लम हो रहा है। जब ये लोगों के पास में, जैसा हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक किताबों में, हमारे आयुर्वेदिक किताबें, उसमें प्रवचन देने वाले काफ़ी प्रवचनकारों ने, महाराज लोगों ने यही बोला हुआ है कि वीर्य जाना ये अच्छा नहीं है, ब्रह्मचर्य जो है उसका पालन होना जरूरी है, वीर्य यदि बाहर जाता है तो कमजोरी आती है। जब ये सालों से चलता आ रहा है तो उसका पकड़ा हमारे दिमाग के ऊपर है, और फिर वहाँ से हमको लगता है कि मेरा वीर्य गया, अभी मैं काबिल नहीं हूँ, अभी मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे बहुत ही मतलब ताकत निकल गई है, और फिर वहाँ से वो अपना जीवन जीता है और फिर उसको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, फिर बदन में दर्द, बॉडी में दर्द, पीछे दर्द, आगे दर्द, जहाँ वहाँ दर्द, कमजोरी है, चक्कर आ रही है और मैं कुछ काम का नहीं रहा, ऐसा उसको दिमाग में आता है। फिर उसमें वो और हस्तमैथुन करने की कोशिश करता है, उसमें लिंग में कठोरता आती नहीं है, लिंग में कठोरता आई नहीं है, बस वो तो उस दिन काम ही हो गया। बोलते नहीं, आज लिंग में कठोरता आई नहीं, अभी तो मैं काम से ही गया, अभी तो मैं शादी भी नहीं कर सकूंगा, अभी तो मैं मेरी हालत भी ख़राब हो गई है, ऐसा उसको मन में वहम हो जाता है और वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। मुझे आपको यही बोलना है कि वीर्य हस्तमैथुन में जाओ, वीर्य सपने में जाओ, जिसको नॉक्चर्नल इमिशन बोलते हैं, वीर्य पेशाब के पहले जाओ, पेशाब के बाद में जाओ, या जब आप संडास करते, शौच करते, तो जब जोर लगा के शौच करते तो पेशाब के जरिए वीर्य जा सकता है, या फिर शादी के बाद में जाओ। कैसा भी वीर्य गया तो भी वीर्य अंदर रखने की चीज़ नहीं है, वो संभालने की चीज़ नहीं है, वहाँ कोई पेट में स्टोर हाउस नहीं है कि वो स्टोर हाउस में आपने वीर्य जमा करके रखना है और उसको जिंदगी भर थोड़ा 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 इस्तेमाल करने का, ऐसा नहीं होता। वीर्य जो है वो तैयार होने की प्रक्रिया रोज़ होती रहती है, रोज़ वीर्य तैयार होता है और रोज़ वीर्य निकाले तो भी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। जैसा हम थूका थूकते हैं तो थूका थूकने से कभी थूका कम नहीं होता, वैसे ही वीर्य का है, वीर्य का जो स्टॉक है वो कभी ख़त्म होता नहीं है और वीर्य से कोई कमजोरी आती नहीं है। तो ये बहुत सारे लोगों को है, लिंग छोटा हो गया करके मेरे पास में आते हैं, वीकनेस आ गया करके आते हैं, फिर सेक्स मेरा अभी होता ही नहीं है शादी के बाद में इसलिए आते हैं, वीर्य पतन जल्दी हो जाता है इसलिए आते हैं, और सब वो एट्रीब्यूट करते हैं, सभी का कारण एक ही बोलते हैं कि भाई मेरा वीर्य बहुत दिन से जा रहा है और इसलिए सब ऐसा हो रहा है। तो वो आप दिमाग से निकाल डालो, धातु रोग एक्चुअली वो रोग नहीं है, धातु जाना ये नॉर्मल है, वीर्य पात होना कोई गलत नहीं है, वो सब गलत फहमियाँ जो है पुराणों में, धार्मिक किताबों में सब निकाल डालो जो दिखाया है वो, अपने दिमाग में मत रखो, अपना जीवन खुशी से जियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।